श्री राम जन्मभूमि रामलला में विजयदशमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। विजयदशमी के मौके पर श्री राम का रावण पर विजय के लिए आदित्य स्रोत से अर्चना व अनुष्ठान किया जा रहा है। श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का कहना है कि विवादित परिसर श्री राम जन्मभूमि रामलला में आज बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक विजयदशमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री रामलला को नए वस्त्र धारण कराए गए हैं। रामलला के स्थान पर नए धर्म ध्वज फहराया गया है। लंका पर विजय के लिए आदित्य स्रोत का अनुष्ठान हुआ था, उसी तरह रामलला के स्थान पर आदित्य स्रोत के पाठ से देश के मंगल कामना के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। अयोध्या से अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट। दशमी जो है वो इस रूप में मनाई जाती है कि भगवान राम लंका विजय करके जब आए थे और आज ही लंका को विजय किए थे विजयदशमी को, तो विजयदशमी उसी लिए मनाई जाती है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। और जैसे होता है कि अच्छाई जो है वो बुराई को नाश करती है, पाप नाश होता है, राक्षसों का नाश किया, तो रामलला के विषय में चूँकि वो राम जन्मभूमि है इसलिए हम वही उत्सव उसी रूप में मनाते हैं जिस रूप में भगवान राम ने अपने पूरे सैनिकों के साथ, यहाँ सैनिक हैं और सभी प्रकार की सेना है, वहाँ CRPF है, वहाँ PSC है, वहाँ लोकल पुलिस है, तमाम अधिकारी हैं, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं।